हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल द इंडियन नॉलेज में। दोस्तों, आज है 7 सितंबर और देखेंगे आज का करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो कि आपके लिए रेलवे NTPC और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ये सब, जिसे आप लोग हमेशा याद करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, और अगर इसके साथ अगर दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि डेली करेंट अफेयर GK और GA और जनरल साइंस की वीडियो आपको इस पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हाल ही में किस राज्य से टाइगर स्टेट का दर्जा वापस लिए जाने के बाद राज्य सरकार बाघों की सुरक्षा हेतु टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन करने जा रही है। तो किस राज्य सरकार से वापस ले लिया गया दर्जा? मध्य प्रदेश से। यानी पहले आप लोगों को जो टाइगर स्टेट किसे दर्जा मिला था? मध्य प्रदेश को मिला था। कुछ 500 या 746 कुछ जो था टाइगर, उसके हिसाब से इसको मिला था। तो अब इसका दर्जा वापस ले लिया गया है। और कौन सी राज्य सरकार है जो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग बाघों की सुरक्षा हेतु टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन कर रही है? तो मध्य प्रदेश सरकार कर रही है इसका। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, भारत के किस पहलवान को विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष वरीयता दी गई है, यानी सबसे पहला वरीयता दी गई है? तो कौन है? बजरंग पुनिया। तो चलिए आगे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहामास में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है जिससे वहां लगभग 40 लोगों की मौत हो गई? तो बहामास में चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? डोरियन। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब किए हुए तब तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पे। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए आगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। वह खिलाड़ी जिसने सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनने का रिकॉर्ड बनाया, तो कौन है? रशीद खान। अब चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस वाहन निर्माता कंपनी ने चेन्नई प्लांट में 5 दिन उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? तो किसने? अशोक लेलैंड। इसका आप लोग ट्रक वगैरह देखते होंगे, अशोक लेलैंड का। अब चलिए देखते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की 15 वर्षीय शेफाली वर्मा ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाई? तो भारतीय महिला टीम में क्रिकेट किसने जगह बनाई? हरियाणा की है, जिसका नाम क्या है? शेफाली वर्मा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में भारत को विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 34 यानी 34वां स्थान यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत को प्राप्त हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगावे का निधन हो गया? तो कब हुआ इसका? किस देश का थे ये? जिम्बाब्वे का थे। किस नाम क्या था इनका? रॉबर्ट मुगावे, जिसका निधन हो गया कल ही हो गया था। और इसका किस देश के थे? जिम्बाब्वे के। और इसके कितने वर्ष में निधन हुआ? तो 95 वर्ष में इसका निधन हो गया। 95 वर्ष के थे ये रॉबर्ट मुगावे, जो कि जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हाल ही में साइबर अपराध जांच और साइबर फोरेंसिक पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया? तो कहाँ किया? नई दिल्ली में। देख सकते हो आप लोग, नई दिल्ली में CBI का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला पेज भी देख सकते हैं आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में स्वर्ण भंडार के मामले में किस देश का 10वां स्थान है? तो भारत का यहाँ पे 10वां स्थान है गोल्ड के मामले, यानी 10 नंबर पर है हमारा भारत। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे, हांगकॉन्ग में लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच चीन की कौन सी नीति प्रणाली फिर से चर्चा में आई है? तो कौन सी चीन की कौन सी नीति है? एक देश दो प्रणाली। देखिए कैसा चीन थी, एक देश दो प्रणाली। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में भारतीय वायुसेना में कितने अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो कितना? 8। भारतीय वायुसेना में कितने हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? 8 शामिल किया गया, जिसका नाम क्या था? अपाचे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हो, 13 नंबर क्वेश्चन है, खादी व ग्राम उद्योग आयोग ने बेकार बर्तनों को
पुनः उपयोग के लिए वाराणसी में किस पहल का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर देख सकते हो टेराकोटा ग्राइंडर, यानी टेराकोटा ग्राइंडर का उद्घाटन किया है, और यह कहाँ से शुरू किया गया है? वाराणसी से। और किसने किया है? तो खादी व ग्राम उद्योग आयोग ने किया है। और यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की 5वीं बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? यानी ईईएफ की, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की 5वीं बैठक कहाँ की जा रही है? रसिया में, रूस में की जा रही है। और यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारत कितने स्वर्ण पदक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो कितना स्वर्ण पदक जीता भारत ने? 5, और 5 जीतने के बाद भी सबसे पहले स्थान पर है भारत किसमें? ISSF यानी विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सभी दोस्त तक पहुँच सके। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, 16 नंबर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2018 के लिए विशेष डेटा प्रसार मानक की वार्षिक अवलोकन रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार किस देश ने इस रिपोर्ट में निर्धारित कई मानकों का पालन करने में विफल रहा? तो कौन है? अपना भारत, देख सकते हो भारत ही इसमें विफल रहा। तो कौन सा? हाल ही में किसने जारी किया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IMF ने जारी किया था इसको। चलिए आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में किसानों का 4,750 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने की घोषणा की है, तो कौन सी राज्य सरकार है वो? हरियाणा राज्य सरकार ने। कितने करोड़ रुपए की? तो 4,750 करोड़ रुपए की किसानों की ऋण जो थी वो माफ कर देगी हरियाणा राज्य सरकार ने। 18 नंबर क्वेश्चन याद देखते, विराट कोहली ने कितने टेस्ट मैच जीतकर सबसे सफल कप्तान होने का दर्जा हासिल किया? तो कितने टेस्ट मैच जीते हैं विराट कोहली ने? 28, ठीक है, और किसने? विराट कोहली ने 28 टेस्ट मैच जीते और सबसे पहला सफल कप्तान बन गए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष युद्ध के लिए समर्पित एक स्पेस कमांड स्पेस कॉम की स्थापना की? तो किसने? अमेरिका ने की है। अब देखिए अमेरिका अंतरिक्ष युद्ध तक पहुँच गया, अंतरिक्ष युद्ध के लिए किसकी स्थापना की है? स्पेस कमांड और स्पेस कॉम किसने? अमेरिका ने की है। और लास्ट आज का क्वेश्चन है 20 नंबर, देख सकते हो आप लोग, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में एक घोषणा के अनुसार बर्नियो द्वीप के पूर्वी कालीमंतन प्रांत को देश की नई राजधानी बनाई जाएगी? तो इंडोनेशिया को बनाई जाएगी। और दोस्तों यहाँ देख सकते, इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी क्या है, मतलब अभी क्या कौन सी राजधानी है, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है। और नई कौन सी बनाई जा रही है, तो यहाँ देख सकते हो बर्नियो द्वीप के पूर्वी कालीमंतन प्रांत को देश की नई राजधानी बनाने की घोषणा करी जा रही है, और जो कि इंडोनेशिया सरकार यहाँ पर कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट वीडियो, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डेली करेंट अफेयर और GK और GA जनरल अवेलेंस और जनरल साइंस की वीडियो डेली अपडेट होगी। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।